हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर को, जिसे लिखा है सुजैन हिल ने। और ये चैप्टर तुम्हारे बुक का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें सिर्फ तीन ही मेजर कैरेक्टर हैं। हेलो, मेरा नाम है डेरिक, वैसे तो मुझे डेरी भी बुला सकते हो। और हाँ, मेरा आधा फेस जला हुआ है, बट मैं इस वीडियो में तुम्हें वो नहीं दिखा सकता, वरना यूट्यूब वाले इस वीडियो को उड़ा देंगे। हेलो, मैं हूँ उस चैप्टर का दूसरा मेन कैरेक्टर और मेरा नाम है मिस्टर लैम्प, और मेरा एक पैर टिन का है। मैं हूँ तीसरी कैरेक्टर, डेरी की मदर। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम लोग मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो, जो कि प्ले स्टोर में है, और फिर तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर तुम्हें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाया गया है। सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के डिटेल में एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर वीडियो की उन्हें कैसे पहचानना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो की तुम्हें एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इस कोर्स का एम है तुम्हें एग्जाम में 80 में 80 दिलवाना, एंड इस कोर्स का प्राइस है 999 रुपीज। और साथ ही साथ जैसे ही तुम इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें मैं भी हूंगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कोशिश करना यूपीआई आईडी से ही पे करना। और साथ ही साथ किन्हीं तीन लकी लोगों को मेरी ये दोनों बुक उन्हें फ्री में मिलेगी। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। मिस्टर लैम्प का एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन है। तो एक दिन क्या होता है, जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में दीवार फांद कर घुस जाता है और लंबी लंबी ग्रासेस के ऊपर चलने लगता है। और तभी वो चलते चलते एक बुश के बगल से निकलता है और तभी उसे एक आवाज आती है, अरे एप्पल को देखकर चलो, कहीं चढ़कर तुम फिसल कर गिर मत जाना। व्हाट, कौन है वहाँ पर? मुझे नहीं पता था ये जगह पे कोई होगा। मुझे तो लगा था इस गार्डन में जो घर है वो एक एम्प्टी हाउस है और यहाँ पर कोई नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मेरा नाम लैम्प है और डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और तुम भी सही हो, घर तो एम्प्टी ही है, मैं तो गार्डन में हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल डे है, भला मैं घर के अंदर क्यों रहता। अच्छा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम रुकते हो तो, और वैसे भी मेरे गार्डन का गेट तो हमेशा खुला रहता है। तुम ही पहले एक इंसान हो जो दीवार फांद कर अंदर आया है, क्योंकि तुम नॉर्मली गेट से चलकर भी अंदर आ सकते थे। अच्छा, तो तुम मुझे देख रहे थे। वैसे मैं कुछ चोरी करने नहीं आया था, मुझे बस गार्डन के अंदर आना था, इसलिए मैं आ गया। अरे बाबा, मैं तो बस यहाँ पर बैठा हुआ था और तुम पर नजर चली गई, और तुम वेलकम हो यहाँ पर। मुझे पता है तुम यहाँ पर चोरी करने नहीं आए हो, क्योंकि तुम इतने भी छोटे नहीं हो। अक्सर जो चोरी करने आते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो एप्पल्स और पियर्स चोरी करने आते हैं। ऊपर से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर बैठा रहता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, एक लड़का जो कि 13 या 14 साल का है। हाँ, मैं 14 साल का हूँ और मैं किसी से डर नहीं रहा, पर जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन हैं और मेरे सामने क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब भी लोग मेरा जला हुआ चेहरा देखते हैं तो वो लोग मुझसे डरते हैं। और वो लोग अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि ये कितना टेरिबल चीज है, ये कितना अगली चीज है। और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझसे डर रहे हो। और हाँ, कोई भी डरेगा। कभी कभी जब मैं खुद का चेहरा मिरर पे देखता हूँ तो मुझे खुद को डर लगता है, मैं खुद डर जाता हूँ। यहाँ पे मिस्टर लैम देखते हैं कि डेरी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा होता है, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने का सोचते हैं और बोलते हैं कि वैसे आज शाम को मैं लैडर की मदद से बहुत सारे ग्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा और फिर उनसे जेली बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी देखो सितंबर का टाइम है और ये जो एप्पल्स है वो कितने गोल्डन ऑरेंज कलर के हो गए हैं, मतलब प्रॉपरली पक चुके हैं। तो क्या इसमें तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? लोग अक्सर ऐसा करते हैं। मुझे पता है तुम भी बस प्रिटेंड कर रहे हो, अंदर से तुम भी मुझसे डरे हुए हो, इसलिए तो तुम भी मुझसे वो चीज नहीं पूछ रहे हो। अरे लेकिन मैं पूछूं क्या तुम्हारे फेस के बारे में? फायर की वजह से हुआ होगा, इसमें पूछने का क्या है? नहीं, तुम गलत हो, फायर की वजह से नहीं बल्कि एसिड की वजह से। इट एट माई फेस अप एंड इट एट मी अप, मतलब इस एसिड ने बस मेरे फेस को नहीं जलाया बल्कि मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। इस एसिड ने मेरी आइडेंटिटी को भी छीन लिया। अब तो तुम मेरे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो गए ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हर उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ जिसे भगवान ने बनाया। जैसे तुम मेरे गार्डन को ही ले लो, इसमें हर तरह के प्लांट्स है, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, हर्ब्स की, ट्रीज की, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वीड्स की प्लांट भी है। मुझे पता है लोग कहते हैं कि वीड्स एक अनवांटेड प्लांट है, उन्हें उगाना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर अंतर क्या है वीड्स में और दूसरे प्लांट्स में? तभी तो प्लांट्स ही है ना। और उसी तरह से मैं और तुम भी हैं, हम दोनों सेम हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम सेम नहीं हैं। अरे यार, बस तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, तुम खड़े हुए हो, मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा एक साइड ऑफ फेस जला हुआ है और मेरा एक पैर टिन का है। बताओ आखिर हम में इतना क्या ही डिफरेंस हो गया? आपका पैर टिन का है? कैसे? मेरा एक पैर वॉर के टाइम में एक्सप्लोजन के कारण अलग हो गया था, और तुमने तो बाहर सुना ही होगा, बाहर जो लोग हैं वो मुझे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है?
पर आप ट्राउजर को पहनकर उसे हाइड तो कर सकते हो ना, आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई नहीं घूरेगा। लेकिन मैं इस फेस को हाइड नहीं कर सकता। कुछ लोग घूरेंगे तो घूरने दो उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है उनसे। हमें उन नेगेटिव लोगों को ना देखकर दुनिया की अच्छी चीजों को देखना चाहिए। जैसे कि तुम ग्रैब एप्पल्स को देख सकते हो, उस स्पाइडर को देख सकते हो जो लैडर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर तुम सनफ्लावर्स को देख सकते हो, या फिर तुम उन वीड्स को देख सकते हो। और एक बात याद रखना बच्चे, इस दुनिया में जो ब्यूटी की डेफिनेशन होती है ना, वो हर किसी के लिए अलग होता है। जैसे कि तुमने एक कहानी पढ़ा होगा ब्यूटी एंड द बीस्ट का, जिसमें एक खूबसूरत लड़की को एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। इससे हमें पता चलता है ना कि हर किसी के लिए जो ब्यूटी का डेफिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। हाँ, पर शायद आपने कहानी पूरी नहीं पढ़ी। वो जो बीस्ट था वो पहले से एक हैंडसम प्रिंस था। उस बीस्ट को बस एक श्राप मिला था, और जब उस खूबसूरत लड़की ने उस बीस्ट को किस करा तो वो वापस अपने ट्रू फॉर्म में आ गया। लेकिन मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, और ना ही मैं अपना फेस को वापस ठीक कर सकता हूँ, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा। हाँ, बस मेरी मॉम मुझे किस करती है, लेकिन वो भी बस इसलिए करती है क्योंकि सी हैज टू, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम है। लेकिन पता है क्या, वो भी मेरे फेस के उस साइड में किस करती है जो जला हुआ नहीं है। और देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस करे या फिर ना करे। लेकिन तुम्हें किसी ना किसी को किस करने का मन तो करता ही होगा ना, जैसे कि खूबसूरत लड़कियों को जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, या फिर जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। हाँ, पर कोई भी मुझे किस करने क्यों देगी, क्योंकि इस फेस के साथ तो मैं आपकी तरह एक बुढ़ा दिखता हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस टिन के लेग की वजह से कभी दर्द होता है? टिन दर्द नहीं करता है मेरे बच्चे। हाँ, बस जब मैं इन टिन को खोलता हूँ तो जिस हिस्सा से ये टिन मेरे पैर से कनेक्टेड होता है वो वाला रीजन थोड़ा दर्द करता है, लेकिन अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो मैं वेट वेदर का मजा ले रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है, लोग अक्सर कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो बहुत ज्यादा पेन में हैं या फिर रो रहे हैं और फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। जैसे जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, या फिर जो लोग डेफ हैं, या फिर जो लोग पागल हैं। पर मैं उन्हें क्यों देखूं? देखो, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें देखने के बावजूद मेरा ये जो फेस है ये वापस ठीक नहीं होने वाला। मैं हमेशा से ऐसा ही रहूंगा, किसी को भी देखकर मेरा दुख कम नहीं होगा। हाँ, लोग अक्सर तुमसे सही बातें ही करते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जैसे एक बार एक औरत ने स्ट्रीट पर मुझे देखकर कहा था कि देखो कितना टेरिबल चीज है ये चीज बिल्कुल ऐसा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, और दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। तो क्या तुम हर सुनी बातों को सच मान लेते हो? तुम्हें उन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई निगेटिव बातें कर भी रहा है तो उसे इग्नोर करो ना। स्पेशली तुम्हें तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई तुमसे कैसी भी बातें करे, तुम्हें उसके वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। और अगर तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो तो इससे बेटर यही है कि तुम अपने कानों को हमेशा बंद ही रखा करो। आप इतनी पेक्यूलर बातें कैसे कर लेते हो? मतलब ऐसी ऐसी बातें जो सच में मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, एंड आई होप सो इस बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम देख रहे हो वहां पर इस गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो जो मधुमक्खी है ना वो बज करती है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग साउंड निकालती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो मधुमक्खियां है ना वो बज नहीं करती, बल्कि वो हम करती है, मतलब वो गाना गाती है, और उनका जो वॉइस है वो काफी अच्छा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि किसी एक चीज को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, और इसलिए हमें सभी की बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं इस जगह पे इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी में कभी भी ट्रेसपासिंग नहीं करता, मतलब कभी भी चोरी छुपे दीवार फांद कर आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आता, क्योंकि ऐसे भी मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने आप को हमेशा एक रूम में बंद कर लो। और पता है, एक इंसान ने ऐसा किया भी था। उसे डर लगता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा, या तो कोई बस उसके ऊपर चढ़ाकर निकल जाएगा और वहां पर उसके एक्सीडेंट से डेथ हो जाएगी। उसे तो ये भी लगता था कि कभी कोई डोंकी आएगा और उसे इतने लात मारेगा कि वो दर्द से मर जाएगा, या तो कभी उसे कोई सुंदर लड़की से प्यार हो जाएगा और बाद में वो लड़की उसका दिल तोड़कर चली जाएगी, या तो कभी वो बनाना के छिलके पे पैर रखेगा और धड़ाम से गिर जाएगा और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी उस पर हंसने लगेंगे। इसलिए वो आदमी अपने रूम में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है, और फिर उस रूम के अंदर ही रहने लगता है। तो क्या फिर वो इंसान हमेशा अपने रूम में ही रहा? बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ वक्त के लिए, क्योंकि उसके रूम में एक पिक्चर लगा हुआ था, वो उसके सर के ऊपर गिरा और वो मर गया। कुछ भी कहो, आप बहुत ही पेक्यूलर बातें करते हो, और ये बातें मुझे कभी भी समझ में नहीं आने वाली।
वैसे आप पूरे दिन क्या करते हो? वैसे आप पूरे दिन करते क्या हो? सन के नीचे बैठता हूँ, बुक रीड करता हूँ। और हाँ, तुम्हें लग रहा था ना कि ये घर एम्प्टी है, लेकिन ये घर बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं और साथ ही साथ कई अलग अलग चीजें भी है। हाँ, पर आप विंडोज पर कर्टेन क्यों नहीं लगाते हो? मुझे कर्टेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दिन के टाइम में लाइट पसंद है, रात के टाइम में डार्कनेस पसंद है, और खिड़की से आती हुई वो विंड, उफ। इसलिए मैं कर्टेंस नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर मैं कर्टेंस लगाऊंगा तो मैं इन सब चीजों का मजा नहीं ले पाऊंगा। वैसे मुझे रेनी सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, और उस साउंड को सुनना जब बरसात के टाइम में पानी टप टप हमारे रूफ पे गिर रही हो, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। देखो, इसका मतलब अभी तक तुम खोए नहीं हो, तुम अभी भी चीजों को सुनते हो और समझते हो। जैसे कुछ ही वक्त पहले मैंने ऊपर में अपने पेरेंट्स को बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि इस लड़के का क्या होगा जब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये इस दुनिया को कैसे फेस करेगा, ये इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो अब दिखता है, जिस तरह से उसका फेस है, और यही सब बातें करते मैंने अपने पेरेंट्स को सुना था। देखो, तुम्हारे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो आंखें हैं, एक टंग है, और एक अच्छा खासा दिमाग भी है, और इसलिए तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तुम दूसरों से बेहतर भी बन सकते हो, बस तुम्हारी चाहने की देरी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ। सच में, वैसे आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो यहाँ पर रोज आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और विंटर्स के टाइम में तो हम यहाँ पर फायर जलाते हैं और सभी बैठकर आराम से पूरी रात एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, वो आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए। और तो और, मुझे हनी से टॉफी बनाना भी आता है। वो जो बच्चे होते हैं वो उस टॉफी के लिए भी आते हैं, और वो टॉफी मैं तुम्हें भी दूंगा, क्योंकि अब हम भी तो दोस्त हैं ना। पर मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ? आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा, तो दोस्ती करने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है क्या? मेरे लिए तो सभी दोस्त हैं। चलो, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम है डेरिक। वैसे मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे डेरी बुला सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे दोस्त मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब मैं यहाँ पर लौट कर वापस कभी नहीं आऊंगा। जैसे कि कभी आप किसी से स्ट्रीट में मिलोगे, उससे दो बातें कर लोगे, तो वो आपका दोस्त थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि आप उससे वापस कभी भी नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन वो दुश्मन भी तो नहीं है ना? हाँ, पर वो बस नॉर्मल लोग है, नॉर्मल पीपल है। और वैसे भी मैं कुछ लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन ये चीज तुम्हें एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस बन करा, जिस तरह से बॉम्ब ने सिर्फ मेरा एक पैर उड़ाया। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए ऐसी नेगेटिविटी रखते हो, तो वो तुम्हें अंदर से जला सकता है। इसलिए हमें किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, इससे वो हमारी दिमाग को गलत इफेक्ट करती है और हमारे दिमाग को करप्ट भी करती है, और ये चीज हमें जीने भी नहीं देगी। हाँ, पर पता है, जब मेरा एसिड बर्न हुआ था और मैं हॉस्पिटल में था, तब लोग बोल रहे थे कि इसे उन जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो इसके जैसे दिखते हो। जैसे ब्लाइंड लोग को ब्लाइंड लोग के साथ रहना चाहिए, डेफ लोग को डेफ लोग के साथ, और पागलों को पागल के साथ। अच्छा, तो जिनके पैर नहीं है उन्हें भी एक साथ रहना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो किस तरह की दुनिया होगी वो? हाँ, पर कम से कम आपके आसपास के लोग आपको घूरेंगे तो नहीं, क्योंकि वो लोग भी आपके जैसे ही होंगे। अच्छा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि जिन लोगों का फेस बर्न हुआ है, उन सभी लोगों की मेंटेलिटी सेम होगी? मतलब उन सभी लोगों की माइंडसेट, बिहेवियर सब कुछ सेम होगा, और वो सभी लोग तुम्हारे जैसे होंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग सभी लोग डिफरेंट होते हैं। आप ये सब कुछ कैसे बोल लेते हो? बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। सिंपल, मुझे इस तरह की जगह बहुत ज्यादा पसंद है। एक बिना कर्टेन का घर और एक बहुत ही खूबसूरत सी गार्डन। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, और ये सभी चीजें तुम्हारी ही है, अगर तुम चाहो तो। मतलब जब आप यहाँ पर नहीं होंगे, तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा करा, तो आप अपने सारे दोस्त खो दोगे, क्योंकि आपके सारे दोस्त मुझे देखकर डर के मारे भाग जाएंगे। तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे सोच लेते हो? मैं तुम्हारी फेस देखकर भागा क्या? और क्या तुम पूरी जिंदगी इसी डर के साथ रहना चाहते हो? रिस्क तो लेना ही होगा ना। हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है वो ना भी जाए। और वैसे तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि बच्चे मुझे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, मुझसे टॉफी लेते हैं, एप्पल्स लेते हैं, पियर्स लेते हैं, और चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझसे नहीं डरते हैं, और ना ही मैं उनसे। और इसी तरह से तुम्हें भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। आपने कहा था कि आप ग्रैब एप्पल्स तोड़ोगे, लेकिन आपका पैर तो टिन का है, तो आप लैडर पे कैसे चढ़ोगे? ओह, मैंने बहुत सारी चीजें सीख रखी है, मैं धीरे धीरे तोड़ लूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प जरूर कर सकते हो। हाँ, पर मैं 14 साल का हूँ, और मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ, और मेरा घर यहाँ से 3 miles दूर है। और अगर मैं वापस अपनी मम्मी को बताने गया, तो वो लोग मुझे वापस कभी भी यहाँ पर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं? तुम्हारे पास पैर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही रोक सकते हो यहाँ आने से, और कोई नहीं। आपको नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ।
हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो सिर्फ तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन तुम पता लगा सकते हो by waiting, watching and listening। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें जाना है या फिर रुकना है। वैसे अब मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बीस को देखने जाना है। क्या लोग यहाँ पर सच में आते भी हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आता होगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आपका कोई दोस्त होगा। मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आप बिल्कुल मिजरेबल हो। किसी को भी आपकी परवाह नहीं है कि आप जिंदे हो या फिर मर गए। मुझे तो ये भी लगता है कि किसी को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। और अगर आपका सच में कोई दोस्त है तो चलिए नाम बताइए उसका। टॉम, डिक और हैरी। खैर अब मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 को देखने जाना है। मुझे तो ये लगता है कि आप पागल हो। हाँ बच्चे, ये काफी अच्छा एक्सक्यूज था यहाँ वापस ना आने का। और वैसे भी ये तुम्हारा जो बंड अप फेस है ना, ये तुम्हें बहुत सारी एक्सक्यूजेस दे देता है। आप भी दूसरे सभी लोग जैसे हो। आप इस बर्न फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, बल्कि आप भी मुझसे डरते हो। अगर आप मुझसे नहीं भी डरते होंगे तो भी आपको लगता होगा कि मैं एक डेविल हूँ। यू थिंक आई एम अ डेविल, डोंट यू? मुझे नहीं लगता आप ऐसा सोचते होगे। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। वैसे भी मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पैर टिनके नहीं है। मैं वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। फिर डेरी भागकर अपने घर जाता है और मिस्टर लैम खुद में कहते हैं कि लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई वापस नहीं आता। यहाँ से सीन चेंज होता है और डेरी अपने घर पहुंच चुका होता है और डेरी की मम्मी उससे कह रही होती है कि तुम्हें लगता है मुझे उसके बारे में नहीं पता? मैंने चीजें सुनी है और मैं तुम्हें अब वहाँ वापस नहीं जाने दूंगी। वैसे आपको हर उस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो। और आपको एक बूढ़े आदमी से क्यों डर लग रहा है जिसका एक पैर टिन का है? ऊपर से उस आदमी के घर पे तो कर्टेंस भी नहीं है। मुझे बस वहाँ पर जाना है क्योंकि मुझे उनका गार्डन बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं वहाँ पर बस जाकर चीजों को देखना, सुनना और समझना चाहता हूँ। जैसे कि बीज को गाते हुए देखना और मिस्टर लैम की बातों को सुनना। और मिस्टर लैम तुमसे ऐसी क्या बातें करते हैं? थिंग्स डेट मैटर, ऐसी बातें जो कोई और नहीं करता, ऐसी बातें जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी से कर नहीं सकता, और ऐसी बातें जिसके बारे में सिर्फ मैं सोचता हूँ। ऐसी बातें तुम हमसे क्यों नहीं करते? पर यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई हेट इट। हाँ मुझे पता है तुम्हारे साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारे फेस में हुआ है उसकी वजह से। ये मेरे फेस के बारे में नहीं है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे फेस के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मिस्टर लैम की मदद करने ग्रैब एप्पल्स तोड़ने में। नहीं तुम यहीं रुकोगे, कहीं भी नहीं जाओगे। ओह नो, मैं वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि अगर आज मैं वहाँ पर नहीं गया तो मैं अपनी पूरी लाइफ कहीं नहीं जा पाऊंगा। फिर डेरी दौड़कर मिस्टर लैम के गार्डन के पास जाता है और फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है। बस पकड़ा गया, बस पकड़ा गया, बस बस। इसके बाद एक क्रिक साउंड आता है। मिस्टर लैम लैडर से फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लैडर भी नीचे गिर जाता है और इस वक्त एक बहुत ही जोर की आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, देखिए मैं आ गया। आपको लगता था ना मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया। मिस्टर लैम आप ठीक हो? देखिए मैं आ गया। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम आप ठीक हो? सब ठीक है, आप उठिए। मिस्टर लैम, आई केम बैक। लेमी लैम, आई केम बैक। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी थी और अब वो नहीं उठ सकते थे। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है। मैं आप सबके लिए दो ऐसे बुक्स लेकर आया हूँ जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। सबसे पहली बुक है सुपर 10 CBSE, जिसमें आपको 10 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इसमें आपको मार्किंग स्कीम भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें लेटेस्ट 2023 के CBSE सॉल्व सैंपल पेपर्स भी एडेड है। और तो और 2020 के CBSE टॉपर के ओरिजिनल आंसर शीट भी गिवन है। और दूसरी बुक है 11 ईयर CBSE PYQs की। एंड इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि इस बुक के अंदर तुम्हें पिछले 11 साल के PYQs देखने को मिलेंगे और वो भी ऑल इंडिया और दिल्ली के अलग अलग, और सारे के सारे ऑथेंटिक पेपर्स है विद डिटेल्ड एररलेस सॉल्यूशन। इस बुक में तुम्हें पुराने से लेकर लेटेस्ट CBSE के सारे पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अगर तुम मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर से एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो और कर लो। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।